राखी जी हमारे डिप्टी स्पीकर मैडम भी हम सबके बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आ जाए मंच पर इस मंच की गरिमा और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। राखी जी आइए प्लीज। और मैं इस बीच में निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी से, हमारे मंत्री महोदय से, कि वे मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं में हमारे उस समाज के जो कल्याण की प्रतिबद्धता है वो पूरे दिल्ली सरकार के सभी कार्यक्रमों में साफ साफ परिलक्षित होती है। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी से, हमारे माननीय SC ST कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार, उनसे निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करें उनके उपस्थिति के लिए और उनके उस सोच और संकल्प के लिए भी जो उन्होंने हमारे समाज के ऐसे वंचित वर्ग के सदस्यों को और विशेष तौर पर उन प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई और उनके स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके भविष्य को संजोने का एक संकल्प लिया है। ये करतल ध्वनि के साथ आप सबकी तालियों के साथ देवी सदनों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही यहाँ पर आदरणीय गोपाल राय जी हमारे श्रम मंत्री हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे सचिव राकेश बारी जी से कि वे उनका भी स्वागत अभिनंदन करें इस अवसर पर। और गोपाल राय जी, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, स्वयं हम सबके मंत्रालय का नेतृत्व उनके कंधों पर है और मंत्रालय निरंतर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी स्वागत और मैं निवेदन करूंगा मुख्य सचिव दिल्ली सरकार अंश प्रकाश जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए मना रहे। माननीय मुख्य सचिव दिल्ली सरकार अंश प्रकाश जी।